दोस्तों, यदि आप रोहित शर्मा के रन आउट होने का कारण विराट कोहली को मानते हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेंगलुरु के एन नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे एक दिवसीय मैच में भारतीय टीम 335 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही है। भारत ने 24 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 147 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 65 के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर आए। रोहित शर्मा 65 के स्कोर पर रन आउट हो गए। रोहित शर्मा विराट कोहली के कारण रन आउट हो गए। दरअसल जब विराट कोहली ने पॉइंट की तरफ शॉट खेलकर तुरंत रन लेने का फैसला किया, विराट कोहली पर भरोसा करके रोहित शर्मा भी रन लेने के लिए दौड़ना पड़ा, पर विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ धोखा किया और खुद बैटिंग क्रीज में घुस गए। रोहित शर्मा को अपनी बेबसी के कारण वापस दौड़ना पड़ा, पर वो विराट के कारण रन आउट हो गए। विराट कोहली 21 रन बनाकर क्रीज पर हैं। अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली मैदान पर आए थे। इससे पहले रहाणे और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी की। रहाणे को केन रिचर्डसन ने आउट किया। रहाणे 53 रन बनाकर आउट हुए। रहाणे ने करियर का 22वां अर्धशतक ठोका।